बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टाइल विद नूर। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब हैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए वेडिंग ड्रेसेस लेकर आई हूँ जो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे पास एक खूबसूरत गोल्डन कलर में जो है वो ड्रेस है और ये बहुत ही खूबसूरत काम के साथ है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसका जो है स्टफ चेक करते हैं। इसके साथ जो मैंने इनर का कपड़ा यूज़ किया है वो रॉ सिल्क है और वो भी सेम कलर में है। और उसके ऊपर जो ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा के ऊपर आप देख रहे हैं खूबसूरत काम किया गया है। और ये काम आप देखें कि इसमें मल्टी टाइप्स के जो है वो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, जिसमें नग भी हैं, पर्ल्स हैं, दबका नक्शी और इस तरह के चेन वाले नग, सब कुछ इसमें जो है मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और दबके और नक्शी के इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर इस्तेमाल हुए हैं। आ जाते हैं इसकी नेक डिज़ाइनिंग की तरफ। तो नेक पर देखें, खूबसूरत सी नेक का डिज़ाइन बना हुआ है जो राउंड शेप में है। नॉर्मल राउंड गला है इसका और साथ ही ये नीचे 2 इंच की पट्टी पर ये जो सारा काम किया गया है, और आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही नीचे आ जाएँ तो 2 इंच के गैप के साथ नीचे वी शेप में करके एक खूबसूरत सा डिज़ाइन है जो आपकी डिज़ाइनिंग में और भी इजाफा कर देता है। और उसके साथ ही नीचे देखें, स्ट्रेट लाइन में इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। इसमें जो स्ट्रेट लाइन में ये जो पर्ल्स इस्तेमाल हुए हैं, ये देखिए चेन की शक्ल में है। इसके अलावा साथ ही ये नीचे देखें आप, इस तरह से ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं दबके के, और अंदर जो है ये नग लगा हुआ है, कुछ गम के साथ हैं और पर्ल्स भी हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के। और इसमें ये देखें, ये पिंक कलर, थोड़ा सा डीप पिंक कलर है इसमें, इसमें गोल्डन के भी इसमें काफ़ी शेड हैं। और ये इस तरह से ये पैटर्न जो है वो एज ए चलाकर हमारी जो है वो शर्ट की पूरी लेंथ पर ये बनाया गया है। और ये आप देख रहे हैं 2-2 इंच के गैप के साथ ये पैटर्न जो है सारा सीक्वेंस चलाया है। तो हमारी फुल जॉल में ये शर्ट जो है वो फ्रंट इसका तैयार हो गया है। साथ ही नीचे एंड पर ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, बॉर्डर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। 6 इंच चौड़ाई के साथ ये बॉर्डर बनाया गया है और इसमें भी वो तमाम मटेरियल इस्तेमाल हुआ है जो ऊपर शर्ट पर इस्तेमाल किया गया था। बस इसके साथ जो मैंने इनर यूज़ किया है वो फुल नीचे लेंथ में इसको इस्तेमाल किया है, 2 इंच जो है इसको पीछे रखा है, बाकी ये फुल लेंथ में रखा है इस तरह से, और सेम कलर में है ये। और इसकी चाक पर जो है वो हाथ से जो है सिलाई की गई है, इसको तरपाई कहते हैं, क्योंकि इस काम के साथ मशीन जो है वो ऊपर चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो इतना अच्छा भी नहीं लगता। आ जाते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स जो है इसकी फुल स्लीव्स हैं और नॉर्मल फिटिंग में है। और इनके आगे बहुत ही खूबसूरत ये बॉर्डर है, छोटा सा बॉर्डर बनाया गया है जिसमें वो भी मटेरियल है। और शर्ट पर जिस तरह से सीक्वेंस था लाइनिंग का, वो एक लाइन जो है हमने स्लीव पर इस तरह से बनाई है, और साथ ही पूरे स्लीव पर नग का छाटा किया गया है, जाल सा बना हुआ है ये देखें। ट्राउजर की तरफ तो सेम स्टफ में जो इसकी मैंने इनर का स्टफ जो इस्तेमाल किया है वही इसके ट्राउज़र का भी है। और इसका ट्राउज़र जो है वो स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र है जिसके 5 इंच का साइज़ तकरीबन 6 इंच है। और इसके अंदर भी जो है वो मशीन की सिलाई नहीं की, बल्कि हाथ से ही तरपाई की गई है नीडल के साथ। यहाँ मेरे पास जो नेक्स्ट ड्रेस है ये भी बहुत खूबसूरत वेडिंग ड्रेस है, और इसमें आप देख रहे हैं कि डार्क पर्पल कलर में है और साथ ही गोल्डन कलर का जो है वो इस पर काम किया गया है। ये तिल्ले का है और उसमें सितारा भी है। तो नेक का डिज़ाइन जो है ये बॉट नेक है, और उसके ऊपर कट बटन डिज़ाइन बनाया गया है जिसको पर्ल के साथ ज्वाइन किया है। इसमें पर्ल जो है वो गोल्डन कलर का यूज़ किया है, और जो इसमें कटवर्क का कट है वो आप देख रहे हैं। और इसमें जो ये देखें, ये कटवर्क का जो कट है ये 1.5 इंच जो है वो इसकी लेंथ है, और ये इसकी चौड़ाई इस तरह से है, ये पर्ल के साथ ज्वाइन किया गया है। खूबसूरत नेक डिज़ाइन है, इसको आप डाउन पर और स्लीव पर भी बना सकते हैं। शर्ट की डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं, जिस पर जो काम किया गया है ऊपर देखें छोटी बूटी है, और फिर साथ ही नीचे बड़े बड़े फूल आ जाते हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और नीचे बॉर्डर जो है वो डायमंड पर आप देखेंगे एक खूबसूरत से ऑर्गेन्जा पर बना हुआ है, जो सेम गोल्डन कलर का ही फैब्रिक है, उसके ऊपर गोल्डन भी सारे का काम है, और ये तिल्ला है, और ये बॉर्डर जो है ये इसकी शर्ट में खूबसूरती में और भी इजाफा कर देता है। ये मार्केट में ये ड्रेस जो है बहुत 7 कलर में है, इसमें लाइट भी हैं, डार्क भी हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन बॉर्डर सबका एज इट इसी तरह से है। अब आ जाते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। तो बिल्कुल स्लीव जो है ये देखें, ये इसकी जो है बैक साइड से ली गई हैं, जिन पर ये छोटी बूटी है, और इसकी जो है फुल स्लीव है, आगे से थोड़ी सी बेल शेप की है, और इसके आगे गोल्डन कलर की पाइपिंग यूज़ की है। पाइपिंग का कलर वही लिया है जो इसकी एम्ब्रॉयडरी में दिल्ले का कलर है। और अब आ जाते हैं चाक की तरफ। तो चाक पर भी कोई गोल्डन पाइपिंग लगाई है जो कुछ इस तरह से है, क्योंकि इसके दामन पर भी गोल्डन कलर का बॉर्डर था, तो इस चीज़ से हम जो है वो गोल्डन कलर की पाइपिंग इसके साथ लगा दी है।
अब आ जाते हैं इसकी बैक लुक की तरफ। तो शर्ट की बैक जो है वो कुछ इस तरह से है, ये देखें बैक पर इस तरह से बूटी है और नीचे सेम बॉर्डर है। इसके साथ जो मैंने लाइनिंग यूज़ की है ये देखें, ये पर्पल कलर में है जो सेम है, और इसका स्टफ जो है वो अटल है, और ये मैंने गोल्डन बॉर्डर तक जो है ये लाइनिंग यूज़ की है। बाकी आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसको रखेंगे। अब आ जाते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। तो इसके साथ ये ड्रेप का ट्राउज़र है जिसको मैंने स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र रखा है, और इसके आगे भी हाथ से तरपाई की गई है, मशीन की सिलाई नहीं है। यहाँ मेरे पास नेक्स्ट ड्रेस आप देख रहे हैं एप्पल ग्रीन कलर में है और गीज़र स्टफ में है, और इसके साथ जो नीचे मैंने इनर यूज़ किया है वो रॉ सिल्क में है सेम कलर में। इसके ऊपर जो वर्क किया गया है ये स्टोन्स का है, जिसमें दबका भी है, सितारा भी है, मोती भी है, और इसमें जो है वो कम वाले मोती भी यूज़ किए गए हैं और कोली वाले भी, जो बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। और बीच में साथ साथ इसमें ब्लैक कलर का यूज़ किया है जिससे कंट्रास्ट भी आ जाता है। और आप देख रहे हैं फुल शर्ट पर पहले तो गला बना हुआ है जिसमें कटवर्क है, और पूरी शर्ट पर ये देखें बूटी और जाल है जो नग का लगा हुआ है। और साथ ही मुझे बॉर्डर की तरफ आएँ तो इस पर खूबसूरत बॉर्डर है जिसमें ये देखें कटवर्क का जाल सा बनाया हुआ है, जिसमें तिल्ला और स्टोन्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। के साथ ही इसमें मोटा जो ये मोती है ये कोली वाला है, ये ब्लैक कलर में है। सितारा भी है और छोटे मोती के साथ भी जो है वो इसकी डिटेलिंग की गई है। और इसके साथ जो मैंने इनर यूज़ किया है वो फुल बिल्कुल लेंथ में रखा है, क्योंकि ये ऑर्गेंजा का स्टफ बहुत ही बारीक होता है। आ जाते हैं गले की शेप की तरफ। तो इसका देखें राउंड नेक है जो नॉर्मल फिटिंग में है। और अब आ जाइए इसकी स्लीव्स की तरफ। स्लीव जो है इसकी फुल स्लीव्स हैं, और इसमें जो मैंने इनर रखा है वो हाफ स्लीव में है। और इसके आगे आप देखते हैं कि खूबसूरत सा एक चेन सी बनी हुई है जो ये सिल्वर कलर के नग की है, ये देखें ये चेन पट्टी सी लगाई है, और साथ ही ये पीछे बूटी है, और फुल जो है इस पर स्लीव के फैब्रिक पर मोती का जाल है। इस साथ सिल्वर पाइपिंग यूज़ की गई है जो मैंने सिर्फ स्लीव्स के आगे इस्तेमाल किया है। आ जाते हैं चाक की तरफ। तो चाक पर देखें सिंपल तरपाई के साथ जो है ये इसको फोल्ड में रखा है, जो कुछ इस तरह से है। अब आ जाते हैं इसकी बैक लुक की तरफ। तो शर्ट की बैक कुछ इस तरह से है कि ये बिल्कुल प्लेन है, और ट्राउज़र की तरफ तो सेम कलर में सेम स्टफ में जो इसके इनर का है उसी स्टफ में इसका ट्राउज़र है, जो सिंपल स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र की इसकी फिटिंग रखी है। और इसका जो है पंचा जो है वो सिंपल सुई के साथ तरपाई किया गया है। नेक्स्ट ड्रेस जो है ये बहुत खूबसूरत ब्राइट रेड कलर में है, जिसको अनारी रेड भी कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि क्रिंकल शिफॉन इसका फैब्रिक है, जिस पर धागे का काम किया गया है, जिसको आप पार्टी वेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैजुअल यूज में भी पहन सकते हैं। तो फैब्रिक पर आप देख रहे हैं इस पर धागे का जो काम है बहुत ही बारीक और नफीस है, और इसमें काफ़ी कलर जो है वो यूज़ किए गए हैं, और जो कलर हैं वो बहुत डिसेंट है। इसमें पिंक है, ग्रीन है, पिस्ता ग्रीन है, मरून सा है, और डीप पिंक सा है। इस तरह से इसमें ये डिफरेंट कलर मिलकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। और नीचे आ जाएँ तो देखें ऊपर बूटी के बाद नीचे खूबसूरत बॉर्डर है जो जाल की शक्ल में है, और ऊपर बॉर्डर के बाद एक नीचे खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की पट्टी है बॉर्डर की शक्ल में, जो बहुत खूबसूरत लुक देती है। बहुत खूबसूरत ये पट्टी है, और उसके साथ ही नीचे थोड़ा सा मैंने गैप छोड़ा है, और उसके नीचे पाइपिंग यूज़ की है, ये देखें जो इस तरह से है, सिल्क पाइपिंग है, और इसका कंट्रास्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी के कलर से दिया गया है। नॉर्मल ये शर्ट है, नॉर्मल फिटिंग में है। आ जाते हैं इसकी नेक डिज़ाइनिंग की तरफ। तो इसका बॉट नेक रखा है, और जिसमें हल्का सा कर्व दिया है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बॉट नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स पर ये आप पैटर्न देख रहे हैं सेम वही है जो शर्ट के पैटर्न पर था, और आगे बॉर्डर आप देख रहे हैं जो दामन पर बारीक पट्टी का बॉर्डर था वही बॉर्डर है, और उसके आगे मैंने वही पाइपिंग यूज़ की है जो कुछ इस तरह से है। डोरी पाइपिंग है जो रेशमी में आती है, मार्केट में इजीली मिल जाती है हर कलर में, उसे फैशन पट्टी भी कहते हैं। ये मार्केट में आपको बिल्कुल तैयार मिलती है, ये देखिए चाक पर भी वही यूज़ की है। और ये लगाने का तरीका भी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आप इस तरह सीखना चाहते हैं कि ये किस तरह लगाई जाती है तो वो आप देख कर वहाँ से सीख सकते हैं। इसके साथ जो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ किया है वो अटल में है, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। अब आ जाते हैं इसकी बैक लुक की तरफ। तो बैक भी सेम है, और बस इसका जो बॉर्डर है बैक का वो थोड़ा छोटा है, और फ्रंट का बॉर्डर जो है वो हमारे पास बड़ा है, बाकी सेम डिजाइनिंग उसी तरह से है।
स्ट्रैप जो है वो आगे पीछे से पैकिंग किए गए हैं और दामन पर भी ग्रीन कलर की पैकिंग लगाई गई है। ट्राउज़र का फैब्रिक जो है वो रॉ सिल्क में है, क्योंकि इसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र बनाना था तो स्ट्रेट ट्राउज़र के लिए रॉ सिल्क का कपड़ा जो है वो बेहतरीन रहता है। इसको जो है स्ट्रेट लुक अच्छी आती है। और ये स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र है जिसकी जो फिटिंग है नॉर्मल है और पंचे का साइज जो है वो 6 इंच है और इसके अंदर जो है वो ये तरपाई की गई है ताकि ऊपर मशीन की सिलाई ना आए, बिल्कुल सिंपल जो है इसको स्टिच किया गया है। जी व्यूवर्स, ये थे हमारे आज के ड्रेसेस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आपको बहुत से आइडियाज़ इसमें से मिले होंगे। आप अपने वेडिंग फंक्शंस के लिए किस तरह की कलेक्शन जो है वो अपने लिए तैयार करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।